बटर पनीर मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे। एक पैन में एक टेबल स्पून ऑयल और एक टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। उनको गर्म करने के बाद जीरा, खसखस, मेलन सीड्स, 8 से 10 काजू, तेज पत्ता 1, काली मिर्च 6, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, दालचीनी 1 इंच, तिल 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 1 और कश्मीरी लाल मिर्च 2। सबको धीमी आंच पर सौते कर लेंगे। इसके बाद हम धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से चलाएंगे। सॉल्ट 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर सारे टमाटरों को पकाएंगे। टमाटर को सॉफ्ट करना है ताकि ये ग्रेवी में बहुत अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा प्रिपेयर मसाला ठंडा हो रहा है, मैंने पनीर के क्यूब्स बना लिए हैं और 5 से 7 मिनट बाद जब हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा, हम इन्हें एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अगर ये पेस्ट गाढ़ा लगता है तो हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर एक स्ट्रेनर से इसे अच्छी तरह से छान लेंगे स्मूथ ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी को पैन में ऐड करेंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा सा बॉईल आने के बाद हम इसमें ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे और फ्रेश मलाई, कसूरी मेथी, गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर भी ऐड करेंगे। ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें हरी धनिया चॉप किया हुआ और पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाएंगे और 5 से 7 मिनट बाद मसाला सर्व करने के लिए तैयार है।